मुकुल दत्त ने साल 1970 में मूवी आन मिलो सजना से एज ए डायरेक्टर बॉलीवुड में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। इस मूवी के लीड कास्ट में विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, आशा पारेख, इंद्राणी मुखर्जी, राजेंद्र नाथ, अभि भट्टाचार्य और तरुण बोस शामिल थे। ये एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 1,10,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 2,50,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 5,00,00,000 कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही। साल 1972 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई रास्ते का पत्थर। इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, नीता खयानी, लक्ष्मी छाया, शत्रुघ्न सिन्हा, असरानी, प्रेम चोपड़ा, असित कुमार सेन और सत्येंद्र कपूर शामिल थे। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 1,00,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1,78,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 3,50,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में बिलो एवरेज रही। साल 1973 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई छलिया। इस मूवी के लीड कास्ट में नवीन निश्चल, शत्रुघ्न सिन्हा, नंदा, हेलन, सुजीत कुमार, राजेंद्र नाथ और असरानी शामिल थे। ये एक एक्शन मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1979 में इनकी अगली मूवी आई आज की राधा। इस मूवी के लीड कास्ट में महेंद्र संधु, वहीदा रहमान, पद्मा खन्ना, रेहाना सुल्तान, डैनी और रंजीत बेदी शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1984 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई फुलवारी। इस मूवी के लीड कास्ट में देवाश्री राय, शशि पुरी, इफ्तिखार, कुमारी नाज, जयश्री तलपड़े और राकेश बेदी शामिल थे। ये एक फैमिली ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में बिलो एवरेज रही। साल 2008 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई यार मेरी जिंदगी। इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, सुधा चंद्रा, अरुणा ईरानी, इफ्तिखार और जलाल आगा शामिल थे। ये एक म्यूजिकल फैमिली ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको मुकुल दत्त की एज ए डायरेक्टर उनकी सभी मूवीज के बारे में बता दिया। मुकुल दत्त की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।